बिग बॉस 17 खत्म होने के बाद जिस कंटेस्टेंट की सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि टीवी की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे है। मुनव्वर फारूकी के जीतने के बाद अंकिता का जो चेहरा नजर आया था, जो उनके चेहरे पर उदासी नजर आई थी, उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुनव्वर की जीत से अंकिता को कोई खुशी नहीं हुई। यहाँ तक कि अंकिता ने बिग बॉस के बाद किसी को अपना कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। अब इसका मतलब तो यही था कि बिग बॉस में हार के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब अंकिता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही बिग बॉस की ट्रॉफी अंकिता के हाथों में नहीं गई हो, लेकिन अंकिता की किस्मत जरूर चमक गई है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। जी हाँ, उनके हाथों में एक बड़ी फिल्म आई है और इसमें उनके साथ बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा नजर आने वाले हैं। अंकिता को रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में एक अहम रोल मिला है। इस फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा लीड रोल में होंगे। वहीं फिल्म वीर सावरकर की ये बायोपिक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस फिल्म को लीड एक्ट्रेस भी मिल गई है और इसमें अंकिता लोखंडे ही नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने अंकिता का रेट्रो लुक शेयर किया है। अंकिता लोखंडे जल्द रणदीप हुड्डा के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, यानी कि बिग बॉस के तुरंत बाद अंकिता की झोली में ये बड़ी फिल्म आ गई है। हालांकि फिल्म को लेकर बातें तो काफी टाइम से चल रही थी और अंकिता का नाम भी सामने आया था, लेकिन अभी तक मेकर्स ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। लेकिन अब फाइनली ये चीज निकल कर सामने आ चुकी है कि अंकिता लोखंडे बहुत जल्द रणदीप हुड्डा की फिल्म यानी कि स्वतंत्र सावरकर में लीड रोल में नजर आने वाली है। अंकिता लोखंडे को लेकर ये जो बड़ी खबर सामने आई है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।